व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं? आज की जो वीडियो है सर, वीडियो के ना एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं ड्यूट टे फोर। एंड गाइस, आपको याद होगा तो पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने अपना सारा का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया था किरिल के कहने पर। एंड हमने पिछले वाले एपिसोड के अंदर न्यू ऑटो सर्विस भी खोली थी। एंड उस ऑटो सर्विस के अंदर अभी तो बहुत अच्छा मामला चल रहा है, मतलब अच्छे खास कस्टमर्स आ जाते हैं, मैंने आपको दिखाया भी था। एंड आज के सवाल वीडियो के अंदर हम लोगों को कुछ ऑटो सर्विस के लिए कार ट्रांसपोर्ट करनी है, तो कोई बात नहीं, चले चलते हैं। मेरे पास कोई भी एक अच्छी सी कार नहीं है, तो मैं हर बार यहाँ से ही चुराता हूँ कार शोरूम से। कोई बात नहीं, वैसे भी हमें कौन देखता है। लेट्स गो। ओके, तो गाइस हमें जाना होगा सबसे पहले केरल के पास। एंड उससे तो कुछ बातचीत करनी है मुझे कार शोरूम से लेने के मामले में, तो देखते हैं कि वो क्या कहता है। एंड उसके बाद में न्यू कार्स लेने भी जाएंगे हम लिबर्टी सिटी के अंदर। तो गाइस ये ही है वो हमारा शोरूम, देख सकते हैं आप कितना कूल है। एंड उसके पास अभी उसके जितने पास रुकने के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो जल्दी से चलते हैं हम। लेट्स गो। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं केरल के घर पे। एंड मैं थोड़ी सी पार्क कर देता हूँ कार को इधर। लेट्स गो। ओके, तो गाइस मैं चलता हूँ। हेलो किरल, कैसा Hello. चल रहा है बिजनेस? अच्छा चल रहा है। और तुमने, मैंने फ़ोन पे बात की थी वो बुक कर लिया? पता है वो लिबर्टी सिटी वाले दोस्त से मैं उधर गया। अच्छा, तो तुमने उससे बात कर ली? हाँ। ठीक है, तो मैं उधर जाता हूँ उसके पास। एंड वो मुझे कार तो दे देगा ना? हाँ। ओके ओके, तो गाइज मैंने इससे बात कर ली। एंड मुझे लगता है कि अब हमारे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किरण ने तो उससे बात कर ही ली है। तो बस अब हमें वापस जाना है एंड उससे कार सारी की सारी ले लेनी है। ओके लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, जल्दी से अब हम चलते हैं वहाँ पे। लेट्स गो। क्या कटिंग मारी थी? ओके, तो गाइस हम आ चुके हैं लिबर्टी सिटी में। ओके गाइस हम आ चुके हैं लिबर्टी सिटी के अंदर। एंड मुझे अपनी कार को साइड में पार्क कर देना चाहिए, वैसे तो पार्किंग उस तरफ है पर कौन जाएगा। रात को अपनी गाड़ी चेंज करी है। एंड अब हम चलते हैं उस टाइकून बिल्डर के आइलैंड पे। हाँ, वो इस आइलैंड के अंदर नहीं रहता, उसे इस आइलैंड के बाहर रहता है। कुछ दिख रहा है उसका लाइट हाउस? हाँ गाइस, उधर की तरफ ही है उसका लाइट हाउस। एंड वो टाइकून का पूरा ये आइलैंड है। एंड इसकी ही यहाँ पे एक ब्रिज भी था। हेलो अंकल, कैसे हो? हेलो। लेट्स गो। इनकी कुछ ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आई मुझे। शिट, अरे रे 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 रे, गिर गई। ओके गाइस, तो हमें यहाँ से जाना नहीं जा सकते, हम वापस जाना होगा। लेट्स गो, चलते हैं पीछे। एंड अब मुझे यहाँ से छोटा सा कट लेना है। लेट्स गो। ओके ओके गाइस, इधर जाना भी बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं। ओके, कुछ दिखा आपको? क्या ये कार गायब हो गई यहाँ से? नहीं 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 है गाइस, इस कार को लेने से पहले यहाँ पे कोई टाइकून घूम रहे होंगे, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। हेलो सर। हेलो हेलो, क्या तुम वही हो? हाँ हाँ, आप मुझसे बात तो कर लीजिए। हेलो सर, क्या आपकी कार में ले जा सकता हूँ? हाँ, केरल से मैंने बात कर ली है। ओ हाँ, उसने कहा था अभी तो मैं बिजी हूँ, तुम ले जा सकते हो। ओके थैंक यू। ओके ओके, तो गाइज मैं इस कार से क्या करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एंड वो मैं आपको यहाँ से चलने के बाद में बताऊँगा। लेट्स गो। ओह माय गॉड, ओके गाइज एक बार इसकी फीलिंग तो बनती है।
देख रहे हो कितनी खतरनाक आवाज है, सुनी? अब एक बार इसकी नॉस मार के देखते हैं। अरे शिट 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 शिट। ओके गाइस, हम यहाँ से चुपके से निकल लेते हैं, हमने किसी को भी घायल नहीं करा है। मुझे यहाँ से साइड से चुपके से निकालना होगा, नहीं तो यहाँ पे आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। ओ नहीं 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 अंकल जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी गाड़ी ठुकी तो नहीं। ओके गाइस, यहाँ पे तो पोर्श वगैरह भी घूमती रहती है। ओके तो गाइस, अगली बार हम पोर्श को लेने आएंगे, लेट्स गो, अभी तो हम चलते हैं। तो गाइस इसकी मैक्स स्पीड देखते रहिए आप, बस देखते रहिए, इसकी मैक्स स्पीड भी नहीं है अभी तक। देख सकते हैं आप, एक बार इसकी मैक्स टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं। अगर एयरपोर्ट पे आए गए हैं तो इस कार की स्पीड तो टेस्ट करना बनता है, लेट्स गो। लेट्स गो गाइस, एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, ये गाइस। ओके तो गाइस, इसकी मैक्स स्पीड कितनी है, इसकी मैक्स स्पीड में देख नहीं पाया, वापस चलते हैं एक बार। ओके 170 ही थी इसकी मैक्स स्पीड, नहीं मैक्स स्पीड अभी तक इसकी, हमने इस कार को पूरा चला लिया पर फिर भी इसकी मैक्स स्पीड टेस्ट नहीं हो पाई। ओ माय गॉड गाइस, ये कार अनबीटेबल है स्पीड के मामले में, है ये बुगाटी व्रोम। लेट्स गो गाइस, अब हम चलते हैं, वैसे भी रात हो गई मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा काम करने में, एंड साइड से निकल जाते हैं, चेकिंग वगैरह बार बार नहीं करवानी है मुझे। ओके लेट्स गो, मैं सबसे बच के आ जाता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठुकवा देते हैं मेरी गाड़ियों को। ओके बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया हमारा, बट हमारी कार को अभी तक कोई चोट नहीं है। तो गाइस अब वक्त वो आ चुका है जब हम अपनी कार से, यानी कि कार को मॉडिफाई कराएं ऑटो सर्विस के आगे। लेट्स गो, अब हम करवाने वाले हैं अपनी कार की सर्विस, लेट्स गो। मेरे पास अभी के लिए तो ठीक ठाक पैसे हैं। ओके तो सही सोच रहा हूँ मैं, पहले तो कलर एक बार अवेलेबल कलर्स में से चेंज करें। ओनली वन कलर अवेलेबल, ठीक है। रिपेयर में मेरे को तो लगता नहीं है कोई इसके अंदर ख़राबी है। टायर्स का देखते हैं, मैं इस टायर के रोटेटिंग ऐसे कर दूँ एकदम पूरा का पूरा, या ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या चलेगी। ओके गाइस, तो मैं इसके इस टायर को बड़ा कर देता हूँ ऐसे, एंड इस टायर को भी ऐसे, तो हमें दिखेगी कैसे। ओ गाइस बहुत कूल लग रही है, एक बार इसे करके देखते हैं। ठीक है मैं कर रहा हूँ, इसे ऐसे करके करूँ या ऐसे करके, सोच रहा हूँ मैं ऐसे करके करूँ। ओके इसे तो मैंने ख़रीद लिया है, इतना टायर का ये काफ़ी रहेगा, इसे थोड़ा छोटा कर दे, नहीं इसे तो ऐसे रखते हैं, इसको एकदम बड़ा रख देते हैं। ख़रीदो इसे भी, एंड इसे नॉर्मल रहने देते हैं। ओके गाइस, इसके टायर वगैरह भी हो गए, मैंने मॉडिफाई में इसके अंदर न्यूट्रोस तो इंस्टॉल्ड ही है। लेट्स गो भाई साहब, गाइस आर यू रेडी, लेट्स गो। ओके तो गाइस, अब मुझे जल्दी से अपने घर पर चलना होगा, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, एंड उसके बाद में हम केरल के पास भी इसे दिखाने के जाएंगे, बहुत खतरनाक मॉन्स्टर ट्रक या मॉन्स्टर कार। हेलो पुलिस अंकल, कैसे हैं? मैं भी पुलिस में ही हूँ, या कुछ टाइम के लिए था, उन्हें क्या पता है।
भाई साहब एक बार देखो इसको, बस देखते ही रहने का मन कर रहा है मेरा तो। लेट्स गो, जल्दी से चलता हूँ। ओके सो जाता हूँ। लेट्स गो गाइस, फाइनली मैंने इस बुगाटी कार को और अपग्रेड कर दिया है एंड अब उस किरल को दिखाएंगे और किरल का क्या रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। लेट्स गो। शेट, अभी भी रात हो रखी है। ओके लेट्स गो। ओके तो गाइस अब हम जल्दी से चलते हैं आगे, उठ तो चुके हैं, सुबह भी हो चुकी है, लेट्स गो निकलते हैं। ओ भाई साहब एक बार इसे देखो, यहाँ से देखने में क्या फील आती है, ऐसे नहीं लग रही कि ये जो है ना ये इधर से कोई स्पॉइलर जैसे लग रखे हैं। एंड एकदम अगर शाम एक बार फोटो खींचता हूँ इसकी, देखो मैं तो खतरनाक, मेरे को तो इस पे प्यार आ चुका है। लेट्स गो लेट्स गो, ठोकना मत। ओके गाइस लेट्स गो, केरल की ऐसे की तैसी। ओ माय गॉड गाइस ये भी एक बुगाटी है। हाँ इसके ये बुगाटी चिरोन है और वो बुगाटी वेरोन है। यहाँ पे दो दो बुगाटीज ऐड हो चुकी है गाइस एंड बहुत खतरनाक चीजें हो चुकी है। लेट्स गो गाइस। हेलो किरल देख। हेलो ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड आवर न्यू कार की बैंड बजा दी। वैसे तुमने पूरी बेकार कर दी इस कार को, कचड़ा कर दी, इसका डिजाइन पूरा बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, अच्छी है। और उसके लिए तुमने कितने पैसे दिए? 600 रुपए। क्या हमें ये टेढ़ा करके क्यों चला गया? क्योंकि इस गाड़ी का शेप एकदम गंदा है। ओके तो गाइस लेट्स गो, हमें जल्दी से अब उस मैं इसको वापस सही कराऊं क्या? हाँ तुम्हारा एकदम दिमाग खराब हो गया है। ठीक है मैं इसे बिल्कुल भी सही नहीं कराने वाला। हाँ गाइस मेरा दिमाग खराब है कि मैं 600 रुपये का नुकसान कराने के बाद में इसे वापस सही करा दूंगा। अब एक चीज करनी तो बनती है। देखो तो जरा एकदम बढ़िया लग रही है ना इधर। ओके ठीक है क्यों ना मैं इसको पीछा कर देता हूँ, नहीं तो रोड वाले बहुत बेकार किस्म के इंसान हैं, मेरी गाड़ी को ही ठोक देंगे। अगर अब भी किसी ने ठोक दी तो मैं बहुत ज़ोर से मारूंगा उनको, देख सकते। नहीं थोड़ा और पीछे, ऐसा लग रहा है ये ठोक रही है गाड़ी। हाँ अब देखो गाइस ऑटो सर्विस। हेलो हेलो रुक जा भाई। क्या हुआ? कोई बात नहीं, मुझे बस उस लिफ्ट चाहिए। हाँ हाँ कहाँ तक? आप बस चलते रहिए। ठीक है राइट मोड़ लीजिए। राइट ठीक। अरे आपकी कार का ब्रेक तो खराब है। थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मेरी कार ड्राइविंग भी थोड़ी भी खराब है। बस यहाँ पे ही छोड़ दीजिए। ओके लेट्स गो बाय 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 गाइस। अभी से भी चुराने का वक्त आ चुका है। ओ माय गॉड एक बार इसकी आवाज सुनी गाइस। माय गॉड ये तो एकदम ओ माय गॉड गाइस आपको इसकी आवाज सच्ची में सुननी चाहिए, बहुत कूल है। आप देखना सुनना। ओके गाइस तो गाइस अब आप रेडी हो इन 3 2 1। ओ माय गॉड अनकंट्रोलेबल कार गाइस। अब मैं इसे तो नहीं छोड़ने वाला, सच बता रहा हूँ मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, मैं बुगाटी व्रूम को छोड़ दूंगा। अब मेरे को यही चाहिए, मेरी पर्सनल फेवरेट कार हो चुकी है। एंड हमारे पास अभी तक कितने कार्स के शोरूम है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कार्स के शोरूम है। एंड इन्होंने मेरी कार तोड़ दी। नहीं नहीं इन्होंने कार तो नहीं तोड़ी है, बस अंदर के लिए खड़ी कर दी है। ओके ठीक है
अगर मेरी कार किधर भी गई तो अंदर चलो ना। ठीक है यहाँ पे छोड़ देता हूँ। इसको कौन ठीक करेगा? लेट्स गो। अगर अब मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा कर देता हूँ, पता नहीं कि थंबनेल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यू गाइस आप नहीं जान सकते क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। इसी बात पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हो मैंने कितनी मेहनत से इन दोनों को खड़ा करा है। अगर आपने अभी भी लाइक और शेयर नहीं ठोका तो आपका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के अंदर। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। पीस आउट।